नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव के रहने वाले पीड़ित रमाश्रय सिंह एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने एक शिकायती पत्र सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में गांव के दबंग लोगों ने उनकी जमीन पर लगा कीमती जामुन का पेड़ काट ले गए। बिलरियागंज सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित दर दर न्याय के लिए भटक रहा है। पीड़ित ने एसपी से मनबड़ों पर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत पीड़ित रमाश्रय सिंह ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। रामाश्रय सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? गंगापुर थाना बिलरियागंज। क्या मामला है कि आज आप पुलिस अधीक्षक? मामला हमारा है, हमारे पिताजी जमीन रजिस्ट्री कराए थे जिसमें जामुन का पेड़ था। 20 नवंबर 2020 को रतन प्रकाश चंद्रिका सराफ कालिका प्रसाद ने उस जमीन को कटवा लिया। रात में चोरी से कटवाया उसको। जो जमीन वो जो जामुन बेची गई है उसकी कीमत 60,000 रुपये थी। तो आपसे उनकी कोई पुरानी रंजिश? हमारी कोई रंजिश नहीं है उनसे। तो मनवर किस्म के हैं लोग। इसकी शिकायत आपने स्थानीय थाने पर की? हाँ, स्थानीय था बिलरिया के थाने पर की थी। हाँ। लेकिन यशो साहब ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो आज आपने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन हमको यही मिला है कि कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी।